हज़ार रुपये ख़राब करने के बाद भी ये मुझे नहीं मिली। ये क्या, छोड़ो कुछ भी नहीं मिला उसमें से, सारे फालतू के सामान उठा के दे दिए मेरे पास, नेड़ से लेके पैराशूट। देखो 1000 से ऊपर स्पेंड करना तो एक बेवकूफ़ी है, मैं सबको कहना निकल जाएगा उसमें आ जाएगा। ये लेजेंड जितना भी गिरा है ना भैया, पिछले कुछ ही दिनों में गिरा है, जितना भी लेजेंड से नीचे गए हैं। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, तो इसको नोहा रूथ भाई, इस बंदे ने एक महीने में कितनी बार चेंज किया है नाम मैं नहीं जानता। एक नाम को किसी नाम से चेंज करता है, छोटी सी बिंदी लगा देता है, रूथ लिख देता है, मूथ लिख देता है, पता नहीं कहाँ से आया है। तो ये भाई, अब मैंने सोचा कि चलो गन देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ कि उस गन की थोड़ी बहुत ही छाप तो कहीं होगी, बट ना तो बिहार के रोड आउट में ना ही मिलती है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी छाप नहीं थी और कहीं भी नहीं थी भाई। अब मैंने सोचा कि चलो यहाँ से देखता हूँ कोई पर्क वर्क, तो फिर मैंने देख ली होगी कि अनलॉक करनी पड़ेगी, बैटल पास में नहीं आएगी पर्क, पर्क में अनलॉक करनी पड़ेगी मिशन से जो कि ऊपर से आएंगे भाई। ये तो M4 पॉइंट चलाता है, कौन चलाता है M4 होगी, देखो 32 का रखता है M4 का, M4 चलाते हैं। अब मैं तुम्हें मिलाऊँगा ऐसे महान स्ट्रीमर से, जो बंदे ने स्ट्रीमिंग चल रही है अच्छी बात है, बट अगर तुम उसकी लोकस देखोगे ना 86, but one of the things we were able to take away from Turbulence in the 1 week that they had played was that they're also very controlled when it comes to domination. Yeah, absolutely. They actually won against Arsenal with 150-88, but in the map raid. So it's going to be interesting how both of these teams really perform here, knowing that Fuse actually won this map against Setsunai, and with Setsunai being one of the most awaited teams in North America. But what an upset that was. So that's very interesting to see that Fuse is actually able to... डायमंड कैमो अनलॉक किया भी तो किसका, DHR का जो भी बोलने से। तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा हो सकता है कि, तो यहाँ मुझे भिखारी मिल गया, सुमो। अबे साले भिखारी हो क्या तुम, कुछ और ले लो, इंसान का मूली खा लो, आराम खोरा जाते हैं कहीं भी भीख मांगने। दूसरे विशेष स्टैंडर्ड मैंने कहा चलो थर्ड पार्टी से कर लो, थोड़ी बहुत झलक तो देखने मिल जाएगी तुम्हें। तो भाई ऐसे ही यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है फिर जब, तो जहर के बाद देखो उसमें जो ऑफिशियल डेट है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे तुम पता चल जाएगा। मजाक ख़त्म, इस पिक को ध्यान से देखो, इन्होंने कहा था कि 28 जून तक में इन्होंने लॉन्च कर दिया था, बट बेसिकली वो अमेरिका के सर्वर में आया था, इंडिया के जो गवर्नमेंट उससे थोड़ी चुल है, इसीलिए यहाँ पर जो सीज़न 5 है वो बेसिकली 29 को लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब अच्छा खासा टाइम आज लॉन्च होगा। तो भाई आज तो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाओ कि इस तरीके के आज तुम्हें फीचर मिलने वाले हैं, और आज आएगा भाई, आज आएगा अपडेट, मरा नहीं जा रहा है। और उन महान लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल पे 10 कॉपीराइट क्लेम मार दिए हैं, तो सुनो भाई आतिशबाजी लोडू, अब ध्यान से देख ले, ये कोई कॉपीराइट म्यूजिक नहीं है, ये नो कॉपीराइट है और पेड म्यूजिक है, तो इस पर कॉपीराइट कोई नहीं मार सकता, समझे। मैं अगर कोई तुम्हारा म्यूजिक यूज कर रहा है तो इतनी क्या तुम्हें यार खिंच हो गई कि तुम मतलब उस पर कॉपीराइट क्लेम मारने लग जाओगे। और भाई क्या था कि ऐड का या तो आधा पैसा ही नहीं है, तो अरे भाई तुम ऐड का पूरा पैसा ले लो, मगर एक बात तो बताओ ऐड आ कहाँ रहे हैं, 2 व्यू के ऊपर ऐड आ गए, अबे ऐड तो लगा ही नहीं मैंने भाई, 2 व्यूज के ऊपर कहता है कॉपीराइट क्लेम। तो मतलब कि मैं बताता हूँ, एक इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन मांग रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके पास खुद 2 व्यूज नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन।
I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the back. Legacy.